Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहरुख खान की फिल्म पठान के एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? बुर्ज खलीफा. यस फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं अबाउट द पठान ट्रेलर एट बुर्ज खलीफा. लेकिन वो तो द लार्जर पिक्चर है. सबका जो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन था, सबका जो यहाँ पर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, वो ऑब्वियसली बुर्ज खलीफा था. लेकिन व्हाट हैपेंड बिहाइंड स्टेज, उसके इर्द गिर्द क्या हुआ एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ कीपिंग दिस ट्रेलर एट बुर्ज खलीफा, यही आज का एपिसोड है. इसी नोट पर चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं. सो गाइस, कार्यक्रम की शुरुआत हुई किस तरह से. शाहरुख खान पहले वहां पहुंचे एंड यू नो मैच के दौरान उनकी जो पिक्चर्स है वो बहुत सारी वायरल हुई. सिद्धार्थ आनंद थे वहां पर, ऑब्वियसली उनकी मैनेजर थी, शाहरुख खान थे एंड वहां से पता चला कि शाहरुख खान इज देयर एंड देयर विल बी अ ग्रैंड लॉन्च ऑफ द पठान ट्रेलर एट द बुर्ज खलीफा. लेकिन गाइस, बुर्ज खलीफा में ट्रेलर लॉन्च करने से पहले शाहरुख खान पहुंचे रियल सिनेमास. Yes friends, रियल सिनेमाज गए दुबई मॉल में एंड वहां जाकर पब्लिक से वन टू वन इंटरेक्शन किया. एंड सिर्फ इंटरेक्शन ही नहीं किया, पब्लिक पब्लिक को दीवाना बना दिया. एंड गाइस, उसके बाद जो झूमे जो पठान गाना है उस पर भी शाहरुख खान ने डांस किया. फिर क्या, द मोमेंट विच एवरी वन वॉज वेटिंग फॉर, द ग्रैंड लॉन्च ऑफ द ट्रेलर एट बुर्ज खलीफा. तो पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेलर लॉन्च होने से पहले क्या हुआ. तो गाइस, शाहरुख खान वहां गए, एक बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर उन्होंने स्पीच दिया. उन्होंने कहा कि मैंने बहुत साल हो चुके हैं यहाँ, आपके लिए कोई भी फिल्म बनाई नहीं है. अब मैं बहुत साल के बाद वापस आ रहा हूँ. इस फिल्म में बहुत सारे फाइट्स होंगे, कार्स होंगे, मोटरसाइकिल्स होंगे जो कि उड़ेंगे, ब्लास्ट होंगे, एरोप्लेन्स होंगे एंड वहाँ पे ऑडियंस की जो खुशी थी उसका कोई ठिकाना नहीं था. बहुत भारी मात्रा में यू नो जो इंडियन ऑडियंसेज, स्पेशली वहाँ की जो ऑडियंसेज है वो भी, यानी कि इट वॉज अ कम्प्लीट पैक ऑडियंस विद द इंडियन ऑडियंस एंड न्यूट्रल ऑडियंसेज, सभी के सब वहाँ पे ट्रेलर लॉन्च इवेंट के लिए पहुँच गए थे. एंड वो ट्रेलर जो है स्पेशली उसका रेशियो इस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया गया था कि वो बुर्ज खलीफा का जो स्ट्रक्चर है उसको अलाइन कर सके. यूजली ट्रेलर हमने देखा है इस तरह से रहते हैं, बुर्ज खलीफा इज अ लॉन्ग बिल्डिंग, उस तरह से उसका रेशियो जो अलाइन किया गया एंड वहां से ट्रेलर शुरू हुआ गाइस. उसके पहले एक ग्रुप था जो कि YRF ने यहाँ पर पूरा का पूरा प्रमोशन जो है यहाँ पर अरेंज किया था विद द सिंगर्स. ये गाइस पहले भी आई थिंक हायर जबरा फैन, वो भी शायद अरबिक में आया है, स्वैग से स्वागत भी अरबिक में आया है एंड यहाँ पर वापस से YRF पुलिंग आउट अ ट्रम्प कार्ड. ये गाइस जो लोकल लैंग्वेज रहती है उसमें अगर आप गाना सुनते हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है. दैट हेल्प्स द लोकल ऑडियंस ऑफ दैट एरिया एंड दैट सिटी टू गेट मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स योर फिल्म. एंड यहाँ पर झूमे जो पठान गाना है उसका जो अरेबिक वर्जन था वो प्ले किया गया वहाँ पे एंड जितने भी लोकल डांसर्स थे सब लोगों ने गाना भी गाया एंड डांस किया. एंड शाहरुख खान हिमसेल्फ वो सीन डांसिंग ओवर देयर. शाहरुख खान की जो मैनेजर है पूजा, उन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स जो है पर्सनली यहाँ पर शाहरुख खान के शेयर किए. फिर क्या, ट्रेलर स्टार्ट हुआ एंड जो डायरेक्शन से उनका वीडियो शूट किया गया था, पीछे बुर्ज खलीफा, आगे शाहरुख खान ब्लैक जैकेट, वाज लुकिंग एब्सोल्युटली फ्रेश रिफ्रेशिंग एंड उन्होंने अपना जो आइकॉनिक पोज था वो बुर्ज खलीफा के बाहर दिया. दीज मोमेंट्स आर एच इन द हिस्ट्री कि एक ऐसी फिल्म जिसने बुर्ज खलीफा पे अपना ट्रेलर जो है वो दर्ज किया है, ये आसान बात नहीं है. ओके, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था कि यू नो द मेकर्स ऑफ पठान यू नो पेड यू नो द पीपल ओवर देयर कि हमारा ट्रेलर बुर्ज खलीफा पे चला दीजिए. दिस वॉज आउट ऑफ द लव ऑफ द गवर्नमेंट ओवर देयर, आउट ऑफ द लव ऑफ द पीपल एंड द ऑफिशियल्स ओवर देयर फॉर शाहरुख खान, कि उन्होंने स्वयं ये पूरा का पूरा ट्रेलर अपने से विदाउट टेकिंग इवन अ सिंगल पेनी बुर्ज खलीफा पे जो है वो प्ले किया है. दैट इज वॉट इज कॉल्ड एन ऑर्गेनिक प्रमोशन ओवर ईयर, दिल से आती है ये. एंड गाइस, बात करें ट्रेलर की तो गाइस ट्रेलर को थंडरस रिस्पॉन्स मिला, केवल और केवल शाहरुख खान को ही नहीं. मैं जितने भी थिएटर जा रहा हूँ, अभी मैंने यू नो थुनीवु देखने के लिए गया था जहाँ पर पठान का तमिल ट्रेलर आया था, फिर जब मैं वाल्टर वीरैया देखने के लिए गया था तो पठान का तेलुगु ट्रेलर आया था, शाहरुख खान के एंट्री पर एंड उनके सीन्स में तो तालियां बजी रही है. लेकिन गाइस, स्पेशली दीपिका पादुकोण का स्पेशली जो बिकिनी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, उनकी जब एंट्री होती पीपल गो क्रेजी. एंड यस्टरडे भी बुर्ज खलीफा पे जब ट्रेलर आया तो पब्लिक पागल हो गई थी. जॉन का जो बे बॉडीड सीन था जब पूल से वो आता है, वो सीन में पब्लिक ने बहुत तालियां बहुत सीटियां बजाई एंड शाहरुख खान जब जय हिंद कहते हैं एंड ट्रेलर समाप्त होता है, इट वॉज कम्प्लीट मैडनेस. पब्लिक फुल ऑन मूड में थी एंड कल जो ट्रेलर था बुर्ज खलीफा पे उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ. फिर क्या गाइज, YRF ने स्वयं
अपने अकाउंट से फोटोज जो है पोस्ट की व्हेन पठान टुक ओवर द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. शाहरुख खान स्टैंडिंग टॉल लुकिंग एब्सोल्युटली मेसमराइजिंग ओवर हियर. आपके स्क्रीन पे देख सकते हो गाइस वो इवेंट की तस्वीर है द बुर्ज खलीफा 25th January हिंदी तमिल एंड तेलुगु पठान. दिस इज गेटिंग ह्यूज बिग बिगर बिगेस्ट गाइज. शाहरुख खान लिटरली मेड द क्राउड गो बिजर्क फॉर हिम एंड पठान ट्रेलर. ओके गाइज, होप गाइज आज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा. ये होता है प्यार, जनता का प्यार, जो कि यहाँ पर शाहरुख खान को कल बहुत भर भर के बड़ी मात्रा में मिला. ओके गाइज, चलो पसंद आए प्लीज आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मैं अमर अंसारी साइनिंग ऑफ. यू विल सी मी वेरी सून. टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन.